बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का GPS स्कूल भगवाड़ी, SC ST NTSC एवं ओलम्पियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी GPS स्कूल में, RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए, चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव, वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के सुरभि मैरिज होम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव, विधानसभा प्रत्याशी रहे संजय यादव सहित अनेक कांग्रेस नेताओं में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललित यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़कर जीतने की बात कही। वहीं पूर्व मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार अलवर की जनता भूल नहीं करेगी। साथ ही कांग्रेस नेता संजय यादव ने भी बहरोड विधानसभा से ललित यादव को बड़ी लीड के साथ जीत का भरोसा दिया। इस दौरान ललित यादव का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत कर जीत का भरोसा दिया। हो गई गारंटी फेल, $2,00,000 बरोबर कर दूंगा, होगी गारंटी फेल, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वक्त दूंगा, होगी गारंटी फेल, महिलाओं को न्याय मिलेगा, होगी गारंटी फेल। ये हालत देश में, मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये राठ की धरती, वो कहते हैं काठ नवे पर राठ नहीं, आज राठ की इज्जत की बात है, इस इलाके के मान सम्मान की बात है। एक तो इतना बड़ा आदमी है जो 12 साल से सांसद है, मंत्री है, अगर कुछ करने वाला होता तो इन 12 साल के अंदर इस इलाके के लिए करके दिखाता कि भाई हाँ मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। किया क्या है, किया क्या है? राज्यसभा का कोटा जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, चुनाव लड़ने इसलिए, ये तो कोटा सबको मिलता है, कोई ऐसी चीज लेके आते कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होते। ये BJP वाले कहते हैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, तो भाई बहुत बड़ो तो है ही, तो उन्हें कहा जो तो अपना बड़ो बढ़ाओगे तो अपने घर को बाड़े, इसको बढ़ाओ बड़ा, ताकि 10 मिनट में बोला उसको पहुंचे, भाई लेके कहते ये काम करते वहां पहुंच सको जा सको, अभी तो मकान को पतो ही ना मिलेंगे। बहुत सारे साथियों ने इधर उधर की बातें करना शुरू किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर प्रणय सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता है, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी हम उनको आदर देते हैं, और मैं तो भाई ललित यादव को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, जब ये MLA का चुनाव जीते गए तो सबसे पहले डॉक्टर प्रणय सिंह जी के घर पे आशीर्वाद लेने के लिए गए, और मानू भाई का कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था, हमारे बदल का लगता है चुनाव क्षेत्र है,
हम सब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, शक्ति लाल बहादुर आप चुनाव जीतेंगे क्योंकि आपने मुदाओं से रिकॉर्ड तोड़ा है। अलवर जिले की सबसे बड़ी जीत हासिल आपने की है। पर इन्होंने कहा भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना चाहता, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा जनता ने मुझे विधायक बनाया है और अब मैं मुदाओं की 5 साल सेवा करना चाहता हूँ, मैं 5 साल के बीच में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। फिर भी पार्टी ने इनको मौका दिया तो हम तो कहते हैं हमारे राठ के लिए मुनाव और भैरव नीमराना पूरा एक क्षेत्र राठ के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज हमारे बीच में एक नौजवान इतने ऊपर बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज जो लोग नेता जो इनका विरोध कर रहे हैं उनको बाहर से लाकर के हमने यहाँ सर पे बिठाया। मैं ये विश्वास आप सबको दिला रहा हूं कि अलवर राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से सबसे ऐतिहासिक परिणाम कोंग्रेस से पक्ष में नहीं आएगा तो आपका अलवर जिले से आएगा। कि मैं आपको संपूर्ण बदला चाहता हूं, एक एक गांव गांव घड़ी घड़ी में गया हूं, पूरे जिले के अंदर मैं घूमा हूं पहले भी, अब भी जा रहा हूं, रोड टेलीफोन आ रहे बात हो रही है। साथियों आप सबको डट के मुकाबला करना है, आपको मजबूती से मुकाबला करना है। आपको मुकाबला किन से करना है जिनका इस अलवर से कोई लेना देना नहीं है? अरे आपका ये बेटा भाई इस राष्ट्र की धरती में अलवर की धरती में पैदा हुआ है, इस आपकी माटी का लाल है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमने मुनार और विधानसभा क्षेत्र में भी घूम घूम करके और जब लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया। मैं आप सभी को विनती करने के लिए आया हूँ कि आप लोग निराश होने की जरूरत नहीं है। भैरोड का आदमी तो वैसे ही बहुत एडवांस आदमी है, फटकारे में आने की जरूरत नहीं है। वो फटकारे वाले भी क्या चाहते आप पता है क्या? वो फटकारे वाले फटकार तो चाहते हैं लेकिन परिणाम दलित के पक्ष में चाहते हैं, तो इसलिए मन बढ़ाकर रखे आप सबको। देखो बड़े नेता तो जनता बनाती है और बड़ी जनता है, कोई बड़ा नहीं है। इसलिए मैं इस बात को देखता हूं कि जनता ने फैसला कर लिया है कि हम किसको हमारा सेवक चुनेंगे जो हमारी 5 साल तक सेवा करेगा। और मैं पूरे इलाके में जा रहा हूं, विशेष रूप से अगर किसी में बहुत ज़्यादा उत्साह किसी में है तो 36 कौम के नौजवान के अंदर उत्साह है। वो इस बात को देख रहा है, इस बात को सोच रहा है कि आई हर साल 5वें साल चुनाव होता है तो दिल्ली से ला करके, कभी हरियाणा से ला करके, कभी कहीं से ला करके हमारे बीच ये कैंडिडेट थोपने काम करते हैं। उन्होंने मन बना लिया, उन्होंने अपने स्वाभिमान पर ले लिया है कि अब की बार हम हमारे साथी को नौजवान को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजने काम करेंगे। तो निश्चित रूप से बड़े अंतर के साथ अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। सर मोदी फैक्टर चलता हुआ है इस बार की सोच? ओहो 10 साल खूब मोदी फैक्टर चला है ना, 10 साल में किसको निहाल कर दिया, किसको नौकरी दे दी, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, नौजवान बेचारे ददर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, परिवार खराब हो रहे हैं। तो अब कोई बहकाव में आने वाले नहीं है। जो स्लोगन उन्होंने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ, उस मोदी सरकार का एक भी काम किया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, क्या हुआ, देश को खुद ही बेच रहे। तो इसलिए नौजवान भी समझ चुका है, देखो अच्छे लच्छेदार भाषण के अंदर आदमी एक बार दो बार बहकावे में आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। देश की नीतियाँ उन लोगों ने बनाने का काम नहीं किया, उन्होंने केवल अगर उनका सपना अब है तो हिंदुस्तान का संविधान बदलने का है, हिंदुस्तान के कानून को बदलाव करने का है कि वो लोग किस तरीके से संविधान बदल करके और चाइना की तरह रूस की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके, इस नीति के साथ काम कर रहे हैं। देश के नौजवान किसान दलित पिछड़े बेरोजगार सब के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको किस ओर देखते हैं? उनका तो आप देख रहे हो कड़ी बिगाड़ रहे मंच पर ही। भाई बहरोड के विधायक कह रहे हैं मैं तेरी कड़ी बिगाड़ दूंगा, तो कड़ी बिगाड़ ली खुद ही, वो तो चले गए, उन्हें क्या फर्क पड़ता उन लोगों से। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि जो लोग छोड़ कर गए हैं वो लोग अगर मेरी इस बात को सुने तो भाई वहाँ अपनी जगह पक्की कर लेना, नहीं तो मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्हें क्या हाल किया इन लोगों ने बढ़ने के बाद में, आपकी तो उनसे फालतू मर। अपना स्थान जरूर देख लेना कि करेंगे क्या आप लोगों को। कार्यकर्ता की बैठक में किस तरह की मजबूती मिली? देखो कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है और तमाम नौजवान साथी जवानी के लोग आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से उत्साहित हैं कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा भाई हमारा दोस्त हमारा साथी चुन करके हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जाए ताकि हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहाँ खड़ा होकर लड़ सके। तो मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि बहुत मजबूती मिल रही है और लोगों ने खुद का चुनाव मान करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो केवल फेस हूँ, चेहरा हूँ,
कैंडिडेट पूरा अलवर जिला। सर लोकल की चर्चा चलती है, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव ने बयान दिया था कि जनता को विकास चाहिए लोकल नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए? ओहो विकास की बात करें तो विकास तो खूब बार बन लिए ना, खुद भी बने खूब बार। अब वो कौन सा विकास चाहते हैं? अगर किसी के बेटे को राजनीति में लाना विकास कहते हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि ये विकास की बात है। विकास की बात है तो भैरों बताएं क्या विकास का काम किया है, वो सांसद बने तो बताएं क्या विकास का काम किया, बालक राज्य बने तो बताएं क्या विकास का काम किया, चांदनाथ जी बने तो बताएं क्या विकास का काम किया, और 10 साल 12 साल ये खुद भूपेंद्र जी सांसद रहे मंत्री रहे तो ये भी बताएं कि इन्होंने क्या काम किया। विकास कब पैदा होगा ये बताएंगे नहीं, विकास की बात जरूर करेंगे। तो इन्होंने कोई विकास करना नहीं, केवल भाषण दे करके गुमराह करके लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन अलवर जिला बहुत ही सुलझा हुआ जिला है, अब ये इनके विकास के जुमलों में आकर के, और तमाम हमारे मतदाता साथी हैं वो कैंडिडेट बनकर के अपने आप चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं कल तिजारा में था, मैं किसी गांव में चला गया तो वहाँ 3 लोग आए तो मुझे जानते नहीं थे, मेरा परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा आप क्यों घूम रहे? बोले हम इसलिए घूम रहे हैं कि ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, विकास का काम नहीं कर रहे, ठग रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलवर ज़िले से ललित यादव चुनाव जीत करके जाए, जिससे कि हमारे यहाँ की बात तो कम से कम करेगा। ये लोग कहाँ से आ गए हमें पता नहीं, ललित का हम गांव जानते हैं। तो इस प्रकार की बात पूरे जिले के अंदर हो रही है और वो मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता चुनाव को लड़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं उनके पीछे क्या मोटो लग रहा है आपको कि क्या कारण हो सकते हैं? देखो वो तो कुछ व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं इसलिए वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए चले गए कि बाईपोल होगा मुंडावर में तो हो सकता है बीजेपी की टिकट मिल जाए। ललित जी तो आपको किशनगढ़ का गांव है, लोड़िया गांव है किशनगढ़ का, भूपेंद्र जी ने उसको गोद लिया है, उसमें 56 लाख रुपए पिछले मई में घोषणा की थी एक सनी मंदिर द्वारा। लेकिन जोड़िया की बात क्यों करते हो? मेरे गाँव में 20 लाख बोल के गए थे, एक शहीद की प्रतिमा का दान करने के लिए आए थे श्रीमान, और 20 लाख रुपये घोषणा करी, वो रुपया तो दिया नहीं, वहाँ जोड़िया में घोषणा कर दी वो भी दिया नहीं। अब मैं बता तो रहा हूँ आपको कि ये लोग विकास करना नहीं चाहते, विकास की बात जरूर करना चाहते हैं लेकिन विकास धरातल पर नहीं करना चाहते, भाषण देना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, आपस में भाई को भाई से बांटना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं भाई आप कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाओगे, सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब लोग समझ गए, लोग मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, और यहाँ भी जो पूरा जिला एक मत होकर के 36 कौम सभी मजहब के लोग मिलकर के और मतदान कर रहे हैं। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट JEE IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा सीकर जयपुर दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राट क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। माय स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेल, टीचर्स आर वेल बिहेव्ड एंड बिहेव फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। इन माय स्कूल देयर हैज मेनी लैब्स, मेनी क्लासेस एंड देयर इज आल्सो स्पोर्ट्स टीचर व्हिच कमांड अस एंड टीच अस अबाउट द स्पोर्ट। राठ इंटरनेशनल स्कूल के 49 विद्यार्थियों को नेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में मिला गोल्ड मेडल। शिक्षक जलेश सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थियों ने मैथ ओलंपियाड 2023-24 की परीक्षा में 65 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 49 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इस अवसर पर विद्यालय डायरेक्टर शिवानी यादव ने सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि राठ विद्यालय क्षेत्र का ऐसा विद्यालय जिसमें विद्यार्थियों और अपने माता पिता के सपनों को साकार किया जाता है और पढ़ाई के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है जो वर्तमान समय में आवश्यक है। इसीलिए राठ विद्यालय समय समय पर सभी प्रकार की एक्टिविटीज का आयोजन करता है। इस अवसर पर ग्रुप शैक्षिक निदेशक रविन्द्र तंवर, प्राचार्य KP बर्वे, उप प्राचार्य कुसुम यादव, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव, कोचिंग हेड पंकज कुमार सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम,
कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बैरोड कस्बे में स्थित बचपन प्ले स्कूल की छात्रा अर्पिता यादव का सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। इस दौरान विद्यालय में अर्पिता यादव का स्कूल डायरेक्टर संदीप यादव ने प्रशस्ति पत्र देकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया। वहीं यादव ने बताया कि अर्पिता यादव ने बेहद मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है, साथ ही अर्पिता के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी संदीप यादव ने की। वहीं विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। टैगोर स्कूल बिचपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, स्कूल डायरेक्टर आर के यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? लायंस क्लब बहरोड, रॉयल मिश्री देवी आई हॉस्पिटल, श्री श्याम मित्र मंडली बहरोड एवं समस्त ग्रामवासी डोकन के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन ग्राम डोकन में किया गया, जिसमें करीब 415 रोगियों की जांच की गई, साथ ही निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। जो ऑपरेशन के लिए मरीज चयनित किए गए उनके ऑपरेशन 29 तारीख को मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड में निशुल्क किए जाएंगे। वहीं कैंप में ओपीडी 415 मरीजों की जांच की गई, जिसमें ऑपरेशन के लिए मरीजों की संख्या 84 चिन्हित की गई। इस दौरान लाइन महेंद्र शर्मा, लाइन क्रमवीर यादव, कृष्ण यादव, बस्तीराम पटवारी, भूपेश शर्मा, हेमंत यादव, विकास पार्षद मोतीलाल शर्मा, बलराम, अश्विनी भारद्वाज, सतीश, विजयपाल, दीपक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी, 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%, जेई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड, आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।